नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजू रेडियोज में एक बार फिर से। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ सोनी का ये अंडर सीट सबवूफर, मॉडल नंबर चेक कर लीजिए एक बार, XS AW8। कुछ इस तरह के बॉक्स में ये आपको प्रोवाइड होगा। और ये देखिए 160 वाट पीक पावर और 80 वाट्स RMS वैल्यू के साथ आपको ये मिलने वाला प्रोडक्ट है। और आइए आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ एक बार। आउटलुक देखिए, मैट ब्लैक फिनिशिंग में आपको ये मिलने वाला प्रोडक्ट है। इसका मैश देखिए, बहुत ही स्टाइलिश और स्लीक डिज़ाइन है। सोनी लिखा हुआ बहुत ही क्लासी और डिसेंट लग रहा है। बाकी और कुछ खास नहीं है साइडों पे या कुछ ऐसा, बिल्कुल ही नॉर्मल क्लासी डिज़ाइन है। RC में से भी आप इसको इनपुट दे सकते हैं और हाई इनपुट भी दे सकते हैं अपनी हार्नेस जो आपको मिलेगी उसके द्वारा। और कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, जो मेरे भाई पहले स्टीरियो लगाते हैं उनको देखते ही समझ आ जाएगा। कुछ ज़्यादा ऐसा टेक्निकल नहीं है इसमें। और वायरिंग देख लीजिए एक बार, यहाँ से आप हाई इनपुट दे सकते हैं और नॉर्मल गेन कंट्रोलर मिलेगा। अभी आपको मैं इसकी प्लेसिंग दिखा देता हूँ एक बार। जिन गाड़ियों में CNG होता है और जगह की दिक्कत आती है और बेस का मज़ा लेना चाहते हैं लोग, वो अपनी अंडर सीट सबवूफर लगा सकते हैं। पर क्या इस प्राइस रेंज में, 13-14 हज़ार में अप डाउन होते रहते हैं प्राइस, क्या इस प्राइस रेंज में ये लेना वर्थ होगा या नहीं, आज आपको बताता हूँ मैं ये सब। क्योंकि अगर नॉर्मल बॉक्स आप लगाते हैं, इससे 3 times ज़्यादा बेस होगी उसकी और प्राइस इससे हाफ होगी। 7-8 हज़ार में आप लगा लेते हैं, देखिए दिक्कत कोई नहीं आ रही रखने में, कोई पाँव वगैरह में दिक्कत नहीं आई, बूट स्पेस काफ़ी। फोर्ड फिगो एस्पायर में हम आज ये सारा सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ये वॉल्यूम कंट्रोलर मिलने वाला है आपको, बेस कंट्रोलर एक्चुअली। बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन और यहीं हम ट्राई करेंगे कि मैचिंग हो जाए कहीं डैशबोर्ड पे, ऑड लुकिंग ना लगे। वी विल ट्राई योर बेस्ट, ये चीज़ बहुत अच्छी है। लीजिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उस चीज़ पे जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। क्या 13-14 हज़ार की प्राइस रेंज पे इसको लेना वर्थ है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है? एक्चुअली आप खुद सोचिए, जब चीज़ को ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं मिल रही तो क्या वो आउटपुट देगी? इतनी बैड नहीं है और इतनी गुड भी नहीं है, और ऐसी भी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप मजबूर हो जाओ इसको लगाने के लिए इसकी बेस सुन के कि हाँ यार मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास। एक मिड टाइप सी बेस है इसमें, जैसे हम अपने घर पे होम थिएटर लगा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी बेस आती है, उससे भी थोड़ी कम। आपके स्पीकर्स की आउटपुट जो है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा 2 times इन्हेंस कर दी कि इतनी ज़्यादा बेस नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जा सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। नॉर्मल सबवूफर बॉक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो भूल जाइए, उसका कंपैरिजन ये कभी भी नहीं कर सकता। पर हाँ, कुछ ना से तो बेहतर ही है, और इस प्राइस रेंज पे बस एक बार सोचना पड़ता है। दोस्तों ये थी हमारी आज के सोनी के अंडर सीट सबवूफर के बारे में परफॉर्मेंस एंड इंस्टॉलमेंट के बारे में एक रिव्यू वीडियो। और ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आप वीडियो मिस ना करें। And lots of upcoming stock on the way. Please stay tuned to my channel and subscribe this.